Assalamu alaikum everyone, this is Kashif Fayaz from On Design. Today I'm going to show you pucker and blot effect in Adobe Illustrator and give you some tips and tricks. So without any further ado, let's get started. वेलकम बैक। तो आज हम जानेंगे पकर एंड ब्लॉट इफेक्ट के बारे में कि हम इससे कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप इसको किसी भी शेप में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक आज यूनिक ट्रिक बताने लगा हूँ जब, और पकर एंड ब्लॉट से आप मज़ीद आप उसमें जाके देखिए, किसी भी शेप पे अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके के साथ काम करता है। मैंने कुछ इस तरीके के साथ एक स्क्वायर बना लिया है। जस्ट अब हमने जाना है ऑब्जेक्ट में, पाथ में, एंड स्प्लिट टू ग्रिड कर देना है। एंड कुछ इस तरीके का आपके पास पैनल आ जाएगा। इसके साथ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ग्रिड में, जितने हमें बॉक्सेस चाहिए उस हिसाब से। तो प्रीव्यू आप ऑन कर लें एंड आप अपने हिसाब से फिर ग्रिड को सेट कर लें। जितने आपको बॉक्सेस चाहिए आप इसको कर सकते हैं सेट। तो मैं कुछ वैल्यूज पुट करके जस्ट ओके करता हूँ, एंड उसके बाद आप देख सकेंगे कि ये कन्वर्ट हो चुका है हमारे बॉक्सेस में। जस्ट इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दें, फिल इसका ख़त्म कर दें। अब हमें जाना है इफेक्ट्स में, एंड डिजॉल्व एंड ट्रांसफॉर्म में आपको पकर एंड ब्लॉट इफेक्ट मिलेगा। जस्ट इस पर क्लिक कर दें। अब इसकी वैल्यूज़ को आप चेंज करें, आप देखेंगे कितने अमेजिंग से आपके पास डिज़ाइन आते हैं कुछ इस तरीके के साथ। एंड आप इनको बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ लोगो भी आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और आपने देखा होगा थंबनेल पे कि मैंने इसको शेप में भी कन्वर्ट किया हुआ है। तो पहले तो हम इसी तरीके के साथ इसको बनाएंगे, जिस तरीके के साथ इसी तरह बॉक्स और स्प्लिट टू ग्रिड करके। तो मैं इसकी वैल्यूज़ एक जगह पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके के साथ। अब जस्ट इसको अगर आपने शेप में कन्वर्ट करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा आप इसके स्ट्रोक भी बाद में चेंज कर सकते हैं, इवन यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग। तो अभी मैं इसके ऊपर एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ, एंड दोनों को सिलेक्ट करके जस्ट ऑब्जेक्ट में जाएं, एनवलप डिस्कॉर्ड में जाएं, एंड मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट कर लें। एंड कुछ इस तरीके के साथ आपको आगे की भी नज़र आ रही होगी, आप की प्रेस करके भी कर सकते हैं, एंड कुछ इस तरीके के साथ ये कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने कौन सी की थी, तो मैंने जो शेप्स कन्वर्ट की थी, जस्ट आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। मैंने 3 शेप्स बनाई थी एंड बिल्कुल उसी तरह मैंने इनको जो है तो कन्वर्ट किया है, एंड पकर एंड ब्लॉट से ही ये सारे डिज़ाइंस बने हैं। हेयर इज़ आवर फाइनल लुक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बी क्रिएटिव।